लोकसभा चुनाव से पहले ग्वालियर कलेक्ट्रेट में ईवीएम मशीन का डेमो वर्जन लगाकर लोगों को वोट देने की संपूर्ण प्रक्रिया के ऊपर जागरूकता का प्रयास किया गया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। चुनाव से पहले ग्वालियर में ईवीएम मशीन की बहुत ही अच्छी डेमो मशीन बनाकर वोटिंग के विषय में नए वोटर एवं पुराने वोटरों को जागरूक किया जा रहा है। यहाँ पर ईवीएम का डेमोस्ट्रेशन किया जा रहा है, ये जनता को जागरूक करने के लिए कि ईवीएम मशीन से किस तरह से आप वोट डाल सकते हैं। इसमें जब पर्ची कट के गिर जाएगी, आपने जिसको वोट डाला होगा उसकी पर्ची कट के गिर जाएगी, उसके बाद आवाज आती है। पहले अपन इसमें पर्ची देखेंगे कि जिसको अपन ने वोट डाला वही है, उसके बाद बीप आती है। पहले यहाँ से बैलेट इशू होगा, उसके बाद यहाँ पे ग्रीन लाइट जलेगी, तब ये रेडी होती है मशीन, ये अपनी बैलेट यूनिट तभी रेडी होती है, उसके बाद आप वोट डाल सकते हैं। ये भारत निर्वाचन आयोग के तहत सभी विधानसभा क्षेत्रों में डेमोन्स्ट्रेशन केंद्र खोले गए हैं, जिसमें जनता को जागरूक करने के लिए है कि कैसे वोट डालेंगे। वोट डालने की प्रक्रिया हमारे द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारियों के द्वारा बताई जा रही है कि उनकी शंका का समाधान हो सके और वो लोग देख सकें कैसे वोट डालना है। कुल मिलाकर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव से पहले ग्वालियर कलेक्ट्रेट में ईवीएम मशीन का डेमो वर्जन लगाकर लोगों को वोट देने की संपूर्ण प्रक्रिया के ऊपर जागरूकता का प्रयास किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, ग्वालियर।